जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आज मैं आपको मूल नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। मूल नक्षत्र और काल सर्प दोष की परिस्थिति में जो जातक पैदा होते हैं उनके मन में बहुत डर पैदा कर दिया जाता है, उनके माता पिता के मन में बहुत बातें भर दी जाती हैं। आपका बच्चा मूल में पैदा हुआ है, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, ये बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा ढिकाना होगा, बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चों के अभिभावकों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस दुनिया में सफलता के उच्चतम शिखर पर काल सर्प दोष वाले लोग भी पहुँचते हैं और गंडमूल और मूल नक्षत्र वाले लोग भी पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कभी कोई पूजा नहीं कराई होती, जिन लोगों ने कभी कोई काल सर्प दोष का उपाय भी नहीं किया होता, फिर भी वो ऐसे उच्चतम शिखर पर कैसे पहुंचते हैं? वो अपने कर्म से पहुंचते हैं और वो कभी भी जन्म कुंडली के किसी भी जो भी उसकी जन्म कुंडली के अंदर गलत योग हैं, जिनको हम ग्रहों के विशेष संयोग पर उनको अच्छा या शुभ नहीं मानते, वो उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपने कर्मों को सही साधते चले जाते हैं। इसलिए उनको वो रास्ते भी मिलते हैं और कहीं ना कहीं माता पिता के पुण्य कर्मों का या अपने प्रारब्ध के पुण्य कर्मों का वो फल भी पाते हैं। इसीलिए इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता और इनको अपने जीवन में तरक्की के मार्ग में रुकावट का साधन बना करके हाथ पे हाथ रख के भी नहीं बैठा जाता। बता देता हूं, 27 और 28 नक्षत्र होते हैं जिनमें से बुध और केतु के जो नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों के अंदर जो जातक पैदा होते हैं उनको मूल में गिना जाता है, उनको गंड मूल में गिना जाता है और इसमें भी चरण होते हैं। अगर आप इनके चरणों को पहचान लेते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी पूजा करवाएं या ना करवाएं, ये आप निर्धारित कर सकते हैं। साथ साथ ये भी बता देता हूँ, जो भी बच्चा मूल नक्षत्र के अंदर पैदा होता है उसको अपने जन्म के 28 दिन के अंदर अंदर उस मूल की शांति की पूजा करा लेनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, 28 दिन में एक नक्षत्र अपना पूरा चरण पूरा करके दोबारा से जन्म कुंडली के अंदर, यानी वो वापस से अपनी स्थिति पर आ जाता है। इसलिए वापस अपनी स्थिति पर आने से पहले उसकी पूजा करा लेना आवश्यक होता है और जो भी पूजा कराई जाती है वो आपके नियर में, आपके नज़दीक में जो भी आचार्य श्रेष्ठ हों, पुजारी श्रेष्ठ हों, आप उनके मार्गदर्शन और उनकी मार्गदर्शन की स्थिति अनुसार आप करवा सकते हैं। जिन लोगों का समय व्यतीत हो चुका है और जिन्होंने पूजाएं नहीं करवाई हैं अपनी और आज वो बड़े हो गए हैं और उनको जीवन में बहुत संघर्ष झेलना पड़ रहा है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है और उनकी जन्म कुंडली के अंदर वाकई में ये मूल नक्षत्र के नाम पर परेशानी है, उनके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे मात्र सृष्टा हैं जो आपकी हर समस्या का समाधान अपने पास रखते हैं। तो यदि मेरे किसी भाई बहन, मेरे किसी बुजुर्ग की जन्म कुंडली के अंदर मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, मात्र वो एक उपाय करें, भगवान शिव के मंदिर में जाएं हर शनिवार को और उनके शिव जी के सामने बैठ करके कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी इच्छा हो, 11 बार ओम रुद्राय नमः ये कहते हुए भगवान शिव को जल अर्पण करें, यानी कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो जल अर्पण करें, उसके पश्चात उनको एक सुपारी चढ़ा कराएं। मात्र ये उपाय सारी जिंदगी आपको करना होगा। जब आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप उस सृष्टा, उस भोलेनाथ जी, उन महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखिए, आपको मार्ग अवश्य मिलेगा, आपकी तकलीफ अवश्य दूर होगी। अब आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूं, जो भी मेरे भाई बहन, मेरे बड़े जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली का लग्न वृषभ है यानी 2 नंबर का है, अगर उनकी जन्म कुंडली का लग्न सिंह है यानी 5 नंबर का है, अगर उनकी जन्म कुंडली का लग्न वृश्चिक है यानी 8 नंबर का है,
और यदि उनकी जन्म कुंडली का लग्न 11 नंबर यानी कुंभ का है और वो लोग मूल में पैदा हुए हैं तो वो जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं ज्यादा पाएंगे, उनके ऊपर इस मूल का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो मात्र अपनी थोड़ी बहुत तकलीफें झेलेंगे, उसके बाद वो सरपट अपनी जिंदगी की दौड़ दौड़ सकते हैं, उनको बड़ी परेशानियां नहीं आती हैं। और भी आपका मन में जो डाउट है वो मैं आपका और क्लियर कर देता हूं। जो भी लोग मूल में पैदा हुए हैं और उनका जन्म संडे का है, मंडे का है, वेंसडे का है, थर्सडे का है, फ्राइडे का है, यानी शनिवार और मंगलवार का ना हो करके अन्य किसी दिन का है, उनको भी मूल नक्षत्र में पैदा होने पर घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल नक्षत्र में अक्सर जब भी जातक कोई पैदा हो और उसका जन्म मंगलवार और शनिवार का हो तो उसको ही परेशानी ये ज़्यादा मिलती है। इसके साथ साथ आपको और भी बारीकी समझा देता हूँ कि किन नक्षत्र चरणों में अक्सर जातक पैदा होते हैं तो परेशानी हो सकती है और किन चरणों में जातक पैदा हो तो उनको कतई घबराने की जरूरत नहीं होती। ये भी आपका डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आगे पढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपके जीवन में, आपके नोन में, आपकी जानकारी में आप ये वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि उन लोगों को भी ये पता चल सके कि हर जगह पर, हर ग्रह नक्षत्र के योग पर डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपके मन का वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप केतु के, यानी केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो अश्वनी, मघा और मूल, ये तीन होते हैं, और बुध के होते हैं ज्येष्ठ, रेवती और अश्लेषा। आप अगर केतु के पहले चरण में, यानी केतु नक्षत्र कौन से हो गए, अश्वनी, मघा, मूल, अगर आप इनके पहले चरण में पैदा हुए हैं तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत हो सकती है, आपको पूजा जरूर करानी चाहिए। परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अश्वनी, मघा, मूल, यानी कि ये जो मैंने आपको तीन चरण बताए, अगर इनके पहले चरण के अलावा अन्य किसी चरण में हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं मन में कोई बात रखनी चाहिए, ना आपको किसी तरह से परेशान होना चाहिए। इसके साथ साथ अब बात आती है बुध के नक्षत्र पर। बुध के नक्षत्र हैं ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती। अगर इनके चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है और वो दिन मंगलवार और शनिवार का है और आपका जन्म लग्न सिंह, वृषभ, वृश्चिक और कुंभ नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पर जल्दी ही अपनी पूजा करा लेनी चाहिए। लेकिन आपकी उम्र निकल चुकी है, चूंकि आप 28 दिन के अंदर नहीं करवा पाए, तो आपको जो मैंने अभी पीछे मंत्र के बारे में बताया, ओम रुद्राय नमः और भगवान शिव की पूजा मैंने आपको बताई, उस तरीके से आपको अवश्य करनी चाहिए। अब आपके मन का और डाउट एक क्लियर कर देता हूं। अगर कोई बच्चा, कोई नन्हा मुन्हा बच्चा, मेल चाइल्ड, अगर शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो भी आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती, तो भी यह मूल नक्षत्र आपके फायदे में काम कर सकता है। और यदि कोई कन्या, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कन्या शुक्ल पक्ष में पैदा हुई है और उसकी बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में है, तो भी मूल नक्षत्र से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। और बच्चे यानी मेल चाइल्ड की कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं अपने सारे भाइयों, जो भी मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, जो मेरे बड़े हैं, और जो मेरे से छोटे, मेरे छोटे भाई बहनों की उम्र के हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, महिलाओं का, फीमेल्स का सम्मान जरूर करें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर के सारे राज और सारी तकलीफें खोल करके ये सामने रख देते हैं जब आप किसी का सम्मान करने लग जाते हैं, जब आप किसी में कमियां ढूंढनी बंद कर देते हैं। अब आपके मन का एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ।
आज इस वीडियो में मैं आपको मूल नक्षत्र के ऊपर सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, बुध और केतु का नक्षत्र यानी कि बुध वाणी हो गई और केतु वाणी का तरीका हो गया। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, बुध वाणी है और केतु वाणी का तरीका है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव खराब होकर के भी बैठे हैं, परंतु आपकी वाणी मीठी होती है, आपकी वाणी डिप्लोमेटिक होती है, आप सबकी बातों का और भावनाओं का ध्यान रखते हुए मुंह खोलते हैं, तो आपको इससे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव खराब स्थिति में हो और आप किसी की भावनाओं का ध्यान रख करके नहीं बोलते, तो ये आपको परेशान करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी बोलें, अच्छा बोलें, सच्चा बोलें, साफ बोलें और निडर होकर बोलें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ जय माता दी।